मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ माई सब्सक्राइबर, क्या गूगल प्ले बीटा में स्प्रिंट बटन का सोल्यूशन होगा? फ्री फायर OB44 अपडेट के बाद क्या इसका सोल्यूशन मिलेगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है कि अगर स्प्रिंट एंड रन बटन जो हमारे है अभी जिस तरह का चलता है उस प्रकार का अगर ये आगे भी चलता है OB44 अपडेट के बाद, तो क्या आप गूगल प्ले बीटा में ही खेलोगे? और दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका पीसी में ब्लू स्टेक्स या अदर इमुलेटर कोई सा चल सकता है? क्योंकि देखो अगर आपका गूगल प्ले बीटा चल रहा है तो आप उसी में खेलोगे, अगर आपको ब्लू स्टेक्स नहीं चल रहा है तो आपको गूगल प्ले बीटा में जबरदस्ती खेलना पड़ेगा। क्या आप आंसर मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अभी यहाँ पर हमारा मेन सवाल जो कि क्या हमारे गूगल प्ले बीटा में OB44 अपडेट के बाद हमारा स्प्रिंट बटन वोल्टेज जैसा देखने को मिलेगा। तो देखो फ्री फायर का एडवांस सर्वर रिलीज हो चुका है, ठीक है। एडवांस सर्वर का रिलीज होने के बाद यानी कि 15 से 20 दिन बाद हमको उसका एंड देखने को मिल जाता है, और फिर उसके 5 से 6 दिन बाद हमें फ्री फायर मेन वाला देखने को मिल जाता है। यानी कि एडवांस सर्वर के 20 से 25 दिन के बाद हमें फ्री फायर का अपडेट देखने को मिल ही जाता है। अभी हमारा एडवांस सर्वर 22 मार्च के दिन आया था, तो मुझे लगता है 5 से 7 या फिर 5 से 10 अप्रैल के बीच में हमको देखने को मिल जाएगा फ्री फायर का OB44 अपडेट। और जिस दिन हमारे मोबाइल के लिए अपडेट आएगा उसी दिन हमको हमारे गूगल प्ले बीटा में भी अपडेट देखने को मिलेगा फ्री फायर का OB44 का। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर हमने जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने गूगल प्ले बीटा वाले से बात करी, हमने फ्री फायर वाले से बात करी, फ्री फायर वाले बोलते गूगल प्ले बीटा की दिक्कत है, गूगल प्ले वाले बोलते फ्री फायर की दिक्कत है, तो अगर ये फ्री फायर की दिक्कत होती, मतलब सॉरी फ्री फायर की नहीं गूगल प्ले बीटा की दिक्कत होती, तो ये गूगल प्ले बीटा वाले ओबी अपडेट के बाद ही इसको क्यों करते? ओबी वो चाहते तो गूगल प्ले बीटा वाले इस फ्री फायर के स्प्रिंट बटन को वो ओबी अपडेट के पहले ही कर देते, लेकिन पिछली बार जब हमारा ओबी अपडेट आया था उसके बाद से स्प्रिंट बटन प्रॉब्लम हुई है। तो इसका सीधा सा कारण यही है, गूगल प्ले बीटा वालों ने नहीं किया है, हमारे फ्री फायर वालों ने ही किया है। जब हम नॉर्मल तरीके से हम रन करते इसमें तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब एनएमी हमारे क्लोज हम घर के अंदर जाते तब हमको स्प्रिंट बटन स्प्रिंट करने में प्रॉब्लम आती है। नॉर्मल हमको रोड या फिर खुले मैदान में हम जब भी रन करते तो हमको कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, लेकिन घर के अंदर या फिर क्लोज एरिया में मैं कहूँ वहाँ पर हमको ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। क्लोज एरिया में हमें स्प्रिंट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और अगर आपको OB44 के अपडेट में ओल्ड स्प्रिंट बटन चाहिए तो इसके लिए आपको मैं जो 3-4 काम बता रहा हूँ वो करना ही करना पड़ेगा। जो हमारा नंबर 1 वाला काम रहेगा वो रहेगा ट्विटर से, ठीक है। जो ट्विटर नहीं चला था वो एक बार ट्विटर पर अकाउंट बना लेना। मैं खुद ट्विटर को यूज नहीं करता था, ट्विटर का नाम अब शायद X हो चुका है। ट्विटर डाउनलोड करने के बाद आपको उस पर ये ट्वीट करना है, देखो मैंने पहले ऑलरेडी ट्वीट कर रखा था, 16 घंटे पहले ही ट्वीट कर दिया था मैंने कि इनका रिप्लाई आता है कि नहीं आता है। तो देखो उनका रिप्लाई नहीं आया, लेकिन शायद उनके पास ये चला जाए, शायद वो देख ले हम ज्यादा से ज्यादा इनको ट्वीट करें। तो देखो जैसा मैंने ट्वीट पर लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है कि आफ्टर OB44 अपडेट इन फ्री फायर मैक्स, यानी कि OB44 के अपडेट के बाद हमको फ्री फायर मैक्स में स्प्रिंट बटन प्रॉब्लम देखने को मिला था। पहले क्या होता था, हम जब एक बार टैप करते थे तो हमको स्प्रिंट हो जाता, लेकिन अभी हमको रन करने के लिए स्प्रिंट करने के लिए स्प्रिंट बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ता है। और फिर इसके नीचे आपको गूगल प्ले को भी मेंशन करना है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर वाला गूगल प्ले आएगा, क्योंकि गूगल प्ले बीटा वाला कोई भी अकाउंट नहीं है, इसलिए आपको गूगल प्ले जो मैंने किया उसी को आपको मेंशन करना है, और एक फ्री फायर इंडिया को करना है, ठीक है। इन दोनों ही को ही आपको मेंशन कर देना। अगर आपको सही में भी इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार ट्वीट जरूर कर देना, बहुत फर्क पड़ता है, ट्विटर का बहुत ज्यादा वैल्यू है। रिप्लाई आए ना आए उससे कुछ मतलब नहीं है, मान लो इस दिन हमको रिप्लाई नहीं आया तो हम अगले दिन वापस ट्वीट कर देंगे, फिर भी ट्वीट नहीं आया तो फिर भी हम इसको ट्वीट करते ही जाएंगे, जब तक OB44 का अपडेट नहीं आता है तब तक ट्वीट करते ही रहना। गूगल प्ले बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो आपसे हर एक गेम के बाद एक सर्वे मांगता है कुछ इस प्रकार का, तो आपको इस सर्वे पर सबसे पहले जो वेरी बेड वाला आइकन दिखता है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और ये सर्वे हर तरह से अलग अलग तरीके से यूज होता है, जैसे इस गेम में क्या दिक्कत है इसमें बेड रिस्पॉन्स वाले उस पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्लो रिस्पॉन्स टू बटन प्रेस, ठीक है। एक बार इस पर क्लिक कर देना, नीचे आपको देखने को मिलेगा अदर स्पेसिफाई, तो आपको इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन पर मैंने जो स्पेसिफिकेशन दिया उसमें मैंने लिखा कि हमको होल्ड एंड स्प्रिंट बटन नहीं चाहिए, यानी कि स्प्रिंट करने के लिए होल्ड एंड रन वाले बटन को प्रेस करके नहीं रखना है, हमें चाहिए एक बार टैप कर देंगे तो वो स्प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इतना करके इनको फीडबैक को देने, जैसे ही मेरा फीडबैक दिया था उसके नीचे एक और बार यहाँ पे लिखा हुआ गया लेट अस नो इफ यू इश्यू वेल प्लेइंग गेम्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिख के आया था। तो मैंने यहाँ पर भी वही जानकारी दे दी, फिर से मैंने यहाँ पर भी वही बात लिखी इनको कि हमें ना होल्ड एंड रन नहीं चाहिए, हमको सिंगल टैप में इनको दौड़ना चाहिए, वो वाला फीचर हमको वापस चाहिए। तो मैंने यही बात उनको लिख दी और फिर मैं यहाँ पर इनको सेंड कर दूंगा। तो देखो याद रखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है ये दोनों फीडबैक। ट्विटर पे भी ट्वीट कर देना और ये दोनों फीडबैक जरूर दे देना। तो अगर ये ऐसा आपने लगातार किया कंटिन्यूअसली 10-15 दिन तक जब तक आप गेम खेलते हो इसमें तब तक आपने किया, तो मैं गारंटेड श्योर हूं आपको OB44 अपडेट में ओल्ड जैसा स्प्रिंट बटन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गूगल प्ले बीटा में बहुत ज्यादा हेडशॉट लगते हैं इसलिए हम इसको यूज करते हैं, और लेग भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, और गूगल प्ले बीटा रिलेटेड से बहुत ज्यादा वीडियो मैं बनाता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप एक पीसी प्लेयर हो या फिर गूगल प्ले बीटा प्लेयर हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।